डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 29.13 हार्डी शर्मा पार्ट टू जी बुक हम लोग ले रहे हैं। दैट इज हार्डी शर्मा सेकंड पार्ट है और इसका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है 29.13, जिसका क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। टॉपिक द प्लेन। हमने क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज एक जैसी है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ लाइन्स आर कोप्लेनर फाइंड द अननोन। दैट मीन क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको टू लाइन्स कोप्लेनर दी होंगी और आपको एक अननोन कैलकुलेट करना होगा। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, हम इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। सपोज x1 माइनस x1 a1, y-y1 b1, z-z1 c1, and the another line is x-x2 by a2, y-y2 by b2, and z-z2 by c2. If these two lines are coplanar, if these are the coplanar line, then the condition will be, जो condition होगा इनके लिए वो हम लिखेंगे x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, here a1 b1 c1, a2 b2 c2 g1। अगर two given lines coplanar है, so condition of coplanarity will be this one। एक formula में ये याद होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको इक्वेशन निकालना हो, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन दैट मीन दीज टू लाइन्स को कंटेन करने वाले अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, वो सिंपल हो जाएगा x-x1 y-y1 z-z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 equal to 0। सो फॉर दिस एक्सरसाइज नंबर 29.13 आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसमें से हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले के एप्लीकेशन के क्वेश्चन ले रहे हैं। सो सी नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो हम लोग आइए बुक पे आते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आर्डी शर्मा बुक है, आप देख लें कि हम जिस बुक के सौ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। सो अगेन, ये हमारे इसी क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है जो हमने लिया है। सो लेट अस फर्स्ट नोट डाउन द गिवन लाइन। नाउ गिवन लाइंस आर x-1/1, y-2/2, z+3/λ², देन x-3/1, y-2/λ² and z-1/2. These are the two lines, and since the lines are coplanar, so therefore the condition will be, हम ऐसे आते हैं। अब इसके पहले, क्योंकि हम क्वेश्चन को अप्लाई करने से पहले, लेट अस नोट डाउन x1 y1 z1 x2 y2 z2। नाउ x1 विल बी 1, y1 2 -3। फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग दिस वैल्यू, हियर 1 2 -3, देन 3 2 1। ओके, नाउ x2 minus x1 3 -1 2 -2 0 एंड 1 -3 4। ना माइनस एस प्लस हो जाएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके ना। सी फ्रेंड, अगर चाहें तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में हम एक दो स्टेप अगर सिंप्लीफाई करके आगे जाना चाहते हैं, सो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन से मेरा मतलब है कि जैसे इन दोनों को सेपरेट करके जीरो बना लेना, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन और ईजी हो जाए, थोड़े जीरोज हो जाएं। और ऐसा कर सकते हैं, इसका टू टाइम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, ये जीरो हो जाएगा, है ना। यानी अगर हम एक दो स्टेप यूज कर लेंगे तो सिर्फ क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन वर्क रिड्यूस जाएगी। अदरवाइज सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए। सी हियर, 2 2 4 -λ4। ओके, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। सो प्लस 4 दिस वन, सी हियर एक्सपेंशन 2 दिस माइनस दिस 4, सो लैम्डा स्क्वायर -2
lambda square minus 2 equal to 0. Let us open it. So 8, rather 2 common karke cancel kar sakte hain. Humne 2 common karke cancel kar diya hai. To bach jayega 4 minus lambda 4 plus ka 2 lambda square and minus 4 equal to 0. 4 ko cancel karte hain. Lambda square common kar lete hain. So we shall get 2 minus lambda square equal to 0. So lambda square equal to 0 or lambda square equal to 2. Now lambda square equal to 0 meaning lambda is 0 and here lambda equal to plus minus 2. So this is simple sa question hai. So ye question chote questions ke liye kaam aayega na? Yes, definitely. Aaiye ek aur question lete hain. Now our question number 17, usi book ka question number 17. Again, this time the lines are given like this. X equal to 5, y divided by 3 minus alpha, z divided by minus 2. Dusri line hai, x equal to alpha, y by minus 1, and z divided by 2 minus alpha. Okay, these are the Copeland lines. Ye agar Copeland line hai, hume alpha ki value calculate karni hai. So kya kya likhenge? Pehle hum isko symmetric form likh lenge. Ye dono totally different hai. So we may write like this. X minus 5 by 0 equal to y divided by 3 minus alpha equal to z divided by minus 2. Yeh ho jayega. X minus alpha by 0, y by minus 1 and z by 2 minus alpha. So again see, x1, y1, z1, x2, y2, z2, a1, b1, c1, a2, b2, c2. So apply karte hain Copeland ke liye. Again, x2 minus x1. So is the alpha minus 5. Aise kar rahe hain. Minus 5 plus alpha ho jayega. So 0 minus 0. So here we have 0. 0, 0, 0. Okay. So a1, 0. 3 minus alpha. Minus 2, 0. Minus 1, 2 minus alpha. Right. Ab aaiye isko simplify kar lete hain. So ab dekh rahe hain ki lot of zeros are there na. Waise hi bahut sare 0 hain. So it will be like this. Alpha minus 5. Yeah, hum cross multiplication karenge. 6, 3 to the 6, hey, 3 to the 6 minus ka 2 alpha minus 3 alpha plus alpha square, 2 ones are 2, so ye ho jayega minus 2. Okay, so here from here ek value to ge alpha equal to 5, dusre value ke liye alpha square minus 5 alpha plus 4 equal to 0. Hum kya karenge, is equation ko solve karenge. So, we are seeing that x alpha equal to 1 and alpha equal to 4 will satisfy it. So, now the values are alpha 1, 4, 5. These are the three values. These are the three values of alpha. So, dear friends, here is question number 16 and question number 17. So, okay. Now, our next question, last one, the 18. We have selected this exercise three questions in this video. 16, 17 and 18. Now, question number 18. X minus 1 by 2. Again the question is, if the straight line this and this are coplanar, find the value of the plane containing them. So x minus 1 by 2, y plus 1 by k, z by 2, then the another plane is x plus 1 by 5, y plus 1 by 2 and z by k. Okay, so again if they are coplanar, so simply x2 minus x1, sirf kya karna hai ki galti nahi karein, iske liye x1 better hai ki x1, y1, z1, x2, y2, z2 ki value note kar liye. Isse x1 1 ho gaya, y1 minus 1 ho gaya aur z1 0 ho gaya, minus 1 minus 1 0. So see kya hoga, hum minus kar rahe hain. So minus 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 1 0 and 0. Okay, so 2k 2 5 2k equal to 0. Okay. Simple formula. Okay, so minus 2 k square minus 4 equal to 0. So simply k equal to plus minus 2. So these are the two values, k equal to plus minus 2. But now our question is, find the equation of plane containing them. So equation of plane containing the line. Equation of plane containing the line.
इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो उसको हम लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू इक्वल टू 0. सो सी एक्स माइनस एक्स वन इज वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन, ए वन इज टू के टू फाइव टू के. अब के इज प्लस माइनस टू. अभी मैंने के इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे के को फिर प्लस माइनस टू लिखना है. सो एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस वैल्यू ना, हम के को जब लिखने जाएंगे सो वी हैव टू टेक वन प्लस वैल्यू एंड अदर माइनस वैल्यू. अब क्या करना है, इसका एक्सपेंशन कर दीजिए. द सिंपल थिंग इज आपको सिंपली एक्सपेंशन करना है. सी द एक्सपेंशन इज एक्स माइनस वन एयर के स्क्वेयर माइनस फोर माइनस वाई प्लस वन. ये माइनस वाई प्लस वन, सो गेन इट इज टू के माइनस टेन एन प्लस जेड, सो फोर माइनस फाइव के इक्वल टू जीरो. क्योंकि के का वैल्यू टू है तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, राइट. तो हमारे पास ये पार्ट बच गया है, हमारे पास बच गया है माइनस का. प्लस कर दें इसको, टेन माइनस टू के वाई प्लस वन प्लस जेड इंटू फोर माइनस फाइव के इक्वल टू जीरो. क्या करिए, के पुट के इक्वल टू टू, एक बार के को टू पुट करिए, एक बार के को माइनस टू पुट करिए, आपको टू रिजल्ट्स मिल जाएंगे. सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जो आपकी दोनों प्लेन की इक्वेशन हो जाएंगी. सो डियर फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 29.13 आर डी शर्मा पार्ट टू, द क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18. सो फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बल्कि बाकी क्वेश्चंस को हम दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.